स्कूटर का महामुकाबला, पेट्रोल वर्सेस इलेक्ट्रिक। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो पहियों वाली सवारी की, लेकिन ये कोई मामूली बात नहीं है। आज हम जानेंगे कि कौन सा स्कूटर सबसे बढ़िया है, पेट्रोल या इलेक्ट्रिक। एक तरफ है हमारा भरोसेमंद पेट्रोल स्कूटर जो सालों से हमारे साथ है। पेट्रोल स्कूटर अपनी स्पीड और लंबी दूरी तय करने के लिए जाने जाते हैं। ये बिल्कुल उस दोस्त की तरह है जिसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन रुको, दूसरी तरफ है हमारा नया खिलाड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर, एकदम शानदार और चुप, बिल्कुल किसी निंजा की तरह। ये बिल्कुल नए जमाने के स्कूटर हैं जो अपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस और नई टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं? या ये सचमुच पेट्रोल स्कूटर को टक्कर दे सकते हैं? तो तैयार हो जाइए अपने इंजन्स को रेव करने के लिए और बैटरीज को चार्ज करने के लिए, क्योंकि अब हम देखेंगे इन दोनों स्कूटर्स का महामुकाबला। हम इनके कीमत से लेकर इनके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव तक सब कुछ जानेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और चलते हैं। कीमत का चक्कर, कौन सा है जेब के लिए हल्का? देखिए, सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि कौन सा स्कूटर हमारी जेब पर ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। स्कूटर खरीदना एक बड़ा फैसला है और यह जानना जरूरी है कि कौन सा विकल्प आपके बजट के अनुकूल है। कोई भी नहीं चाहेगा कि सिर्फ स्कूटर खरीदने में ही उसका सारा बजट खत्म हो जाए। हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे बचें ताकि हम अन्य आवश्यकताओं और शौक पर भी खर्च कर सकें। तो आइए देखते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में कितना फर्क है। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करेगी कि कौन सा विकल्प हमारे लिए सबसे अच्छा है। पेट्रोल स्कूटर आमतौर पर सस्ते होते हैं। आप बिना ज्यादा पैसे खर्च किए एक अच्छा पेट्रोल स्कूटर खरीद सकते हैं। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते। पेट्रोल स्कूटर खरीदना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको कोई बढ़िया जैकेट सेल में मिल जाए। यह एक अच्छा सौदा हो सकता है, खासकर अगर आप तुरंत पैसे बचाना चाहते हैं। लेकिन रुको, सिर्फ शुरुआती कीमत देखकर धोखा मत खाओ। पेट्रोल स्कूटर में पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्चा भी जुड़ता है। याद है ना पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम? हाँ, ये आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। पेट्रोल स्कूटर के साथ आपको नियमित रूप से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा और यह खर्चा समय के साथ बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा पेट्रोल स्कूटर की मेंटेनेंस भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और फिर है रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा, जैसे कि ओनिल चेंज और ट्यूनअप। ये खर्चे समय के साथ बढ़ सकते हैं और आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक स्कूटर शुरुआत में थोड़े महंगे जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन इसे अपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट समझो। एक बार खरीदने के बाद आप पेट्रोल और मेंटेनेंस पर बहुत पैसे बचाएंगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत अधिक हो सकती है, लेकिन यह एक दीर्घकालिक निवेश है। आप पेट्रोल और नियमित मेंटेनेंस के खर्चों से बच सकते हैं। न कोई पेट्रोल पंप और न ही महंगे ओनिल चेंज। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आप अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और लंबे समय में पैसे बचा सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करना भी सस्ता है। आप इसे घर पर ही चार्ज कर सकते हैं और यह पेट्रोल भरवाने से कहीं सस्ता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर की मेंटेनेंस भी कम होती है। तो अगर आप दीर्घकालिक बचत पर ध्यान देते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ये न केवल आपके पैसे बचाएगा बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। अंत में यह आपके व्यक्तिगत बजट और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप तुरंत पैसे बचाना चाहते हैं तो पेट्रोल स्कूटर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप दीर्घकालिक बचत और पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो अब आप तय करें कि कौन सा स्कूटर आपकी जेब के लिए हल्का है। चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक स्कूटर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने बजट और जरूरतों के अनुसार सही निर्णय लें। उम्मीद है कि यह जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। खुश खरीदारी करें और सुरक्षित यात्रा करें। मेंटेनेंस का माजा, ओनिल चेंज और ट्यूनअप का झंझट। स्कूटर के मालिक होने का मतलब है कि आपको इसके मेंटेनेंस का ध्यान रखना होगा। यह एक ऐसा काम है जो कभी कभी बहुत ही थकाऊ और बोरिंग हो सकता है। मान्य है कि स्कूटर के मेंटेनेंस का काम बहुत बोरिंग होता है। यह एक ऐसा काम है जिसे टालना मुश्किल है, लेकिन इसे करना भी जरूरी है। यह ऐसा है जैसे आपके पास कोई जिद्दी पालतू जानवर हो। आपको पता है कि आपको उसका ख्याल रखना होगा, लेकिन कभी कभी आप सोचते हैं कि काश वह अपना ख्याल खुद रख लेता। हर बार जब आप स्कूटर को देखते हैं तो आपको याद आता है कि इसे ठीक से चलाने के लिए नियमित देखभाल की आवश्यकता होती है। तो आइए देखते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में किसका मेंटेनेंस कम होता है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन मेंटेनेंस के मामले में कौन सा बेहतर है? पेट्रोल स्कूटर हालांकि काफी रिलायबल होते हैं,
लेकिन उनका रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी होता है। पेट्रोल स्कूटर के मालिकों को नियमित रूप से सर्विसिंग के लिए समय निकालना पेटी देता है। ये बिल्कुल उन दोस्तों की तरह होते हैं जिन्हें लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। हर कुछ महीनों में आपको इसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ी देता है, और कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। आपको ओनिल चेंज करना होगा, एयर फिल्टर बदलना होगा, और कभी कभी इंजन की समस्याओं से भी निपटना होगा। ये सब कुछ समय और मेहनत मांगता है, और सच बोलें तो किसे पसंद है इंजन के तेल से हाथ गंदे करना। ये एक गंदा और थकाऊ काम है, लेकिन इसे करना जरूरी है। इलेक्ट्रिक स्कूटर उन दोस्तों की तरह होते हैं जो बहुत ही इजी गोइंग होते हैं। इनका मेंटेनेंस बहुत ही आसान और कम समय लेने वाला होता है। कम मूविंग पार्ट्स होने के कारण इनमें खराब होने के लिए भी कम चीजें होती हैं। इसका मतलब है कि आपको बार बार सर्विसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो कह दीजिए अलविदा उन गंदे ओनिल चेंज और इंजन ट्यून अप को। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको इन झंझटों से छुटकारा मिल जाता है। हालांकि आपको बैटरी और ब्रेक पर नजर रखनी होगी, लेकिन कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बहुत ही स्मूथ और झंझट मुक्त मेंटेनेंस का अनुभव देते हैं। बैटरी को चार्ज करना और ब्रेक्स की जांच करना ही मुख्य काम होते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। बैटरी को चार्ज करना भी बहुत ही आसान है, बस इसे प्लग इन करें और यह अपने आप चार्ज हो जाएगा। टायर प्रेशर की जांच करना भी एक साधारण काम है जिसे आप आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर की सवारी भी बहुत ही आरामदायक और शांत होती है। इसमें कोई इंजन की आवाज नहीं होती, जिससे आप एक शांत और सुखद यात्रा का आनंद ले सकते हैं। मेंटेनेंस के मामले में इलेक्ट्रिक स्कूटर पेट्रोल स्कूटर से कहीं ज्यादा किफायती होते हैं। आपको न तो ओनिल चेंज का खर्चा उठाना पड़ देता है और न ही इंजन ट्यूनअप का। इससे आपके पैसे और समय दोनों की बचत होती है। तो अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो कम मेंटेनेंस और ज्यादा आरामदायक हो, तो इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये न केवल आपके समय और पैसे की बचत करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर और आसान सवारी का अनुभव भी देगा। भाग 4, ग्रीन व्हील्स, एक स्वच्छ भविष्य की ओर सवारी। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें पर्यावरण पर अपने प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए, और जब बात यातायात की हो तो हमारा फैसला बहुत फर्क डाल सकता है। तो आइए देखते हैं कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर पर्यावरण के लिए कितने अच्छे हैं। पेट्रोल स्कूटर अपने शोर करते इंजन और धुएं के साथ प्रदूषण फैलाने के लिए जाने जाते हैं। ये हवा में हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो हवा को प्रदूषित करते हैं और जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। ये ऐसा है जैसे ये लगातार एक ऐसी पार्टी कर रहे हों जिसमें कोई नहीं जाना चाहता। इलेक्ट्रिक स्कूटर अपने शून्य उत्सर्जन के साथ हमें ताजी हवा में सांस लेने का मौका देते हैं। ये बिजली से चलते हैं, इसलिए इनमें ना कोई धुआं है, न ही कोई हानिकारक गैस। ये ऐसा है जैसे आप बादलों पर शहर की सैर कर रहे हों और पीछे सिर्फ एक हल्की सी आवाज छोड़ रहे हों। इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनकर आप अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और एक हरे भरे भविष्य में योगदान देने का फैसला ले रहे हैं, और कौन नहीं चाहेगा कि वह इस अच्छे बदलाव का हिस्सा बने। भाग 5, स्पीड की चाहत, या कम से कम एक आरामदायक सवारी। सच बोलें तो हम सभी एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो हमें हमारे रोज के कामों पर ले जा सके बिना हमें धीमे महसूस कराए। एक ऐसा स्कूटर जो न केवल हमें समय पर पहुंचाए, बल्कि हमें एक मजेदार और आरामदायक सवारी का अनुभव भी दे। तो आइए बात करते हैं पेट्रोल और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के परफॉर्मेंस और राइडिंग एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि हम यह जान सकें कि कौन सा स्कूटर आपकी स्पीड की चाहत या कम से कम एक आरामदायक और तेज सवारी को पूरा कर सकता है। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, और यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन सा आपके लिए सबसे अच्छा है। पेट्रोल स्कूटर अपनी तेज रफ्तार और हर तरह की सड़कों पर चलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये स्कूटर्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो लंबी दूरी तय करते हैं और जिन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद वाहन की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल उन छोटे पिल्लों की तरह होते हैं जो हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स की ताकत और उनकी तेजी उन्हें एक रोमांचक विकल्प बनाती है, खासकर उन लोगों के लिए जो गति के शौकीन हैं। चाहे भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलना हो या फिर खुली सड़कों पर सवारी करना हो, पेट्रोल स्कूटर एक परिचित और भरोसेमंद राइडिंग एक्सपीरियंस देते हैं। इनकी आवाज और वाइब्रेशन भी एक अलग ही अनुभव प्रदान करते हैं जो कई राइडर्स को पसंद आता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर भी कुछ कम नहीं है, ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर होते हैं और इनका रखरखाव भी आसान होता है। ये एक चिकनी और शांत सवारी प्रदान करते हैं जो एक अनोखा और मनोरंजक अनुभव है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सबसे बड़ी खासियत है उनकी शांति। बिना किसी इंजन के शोर के
ये सवारी को और भी सुखद बना देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बिना किसी इंजन के शोर के ट्रैफिक में से गुजर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप शांति और सुख के एक नए ही आयाम में प्रवेश कर गए हों। इसके अलावा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सवारी करते समय आपको पेट्रोल भरवाने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा बैटरी टेक्नोलॉजी में हो रहे निरंतर सुधार के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, जो पेट्रोल स्कूटर्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रेंज भी बढ़ गई है, जिससे आप लंबी दूरी भी आसानी से तय कर सकते हैं। पेट्रोल स्कूटर्स को बार बार पेट्रोल भरवाने की जरूरत होती है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को आप घर पर ही चार्ज कर सकते हैं। यह न केवल समय बचाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि आप हमेशा तैयार रहें। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि चाहे आप पेट्रोल स्कूटर चुनें या इलेक्ट्रिक स्कूटर, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। यह पूरी तरह से आपकी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप स्पीड और ताकत चाहते हैं तो पेट्रोल स्कूटर आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन अगर आप एक शांत, पर्यावरण के अनुकूल और कम रखरखाव वाला विकल्प चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बेहतरीन विकल्प है। तो अगली बार जब आप एक नया स्कूटर खरीदने जाएं, तो इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखें और एक सूझबूझ भरा निर्णय लें। आखिरकार एक अच्छा स्कूटर न केवल आपकी यात्रा को आसान बनाता है, बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाता है। तो चलिए अपनी पसंद का स्कूटर चुनें और एक शानदार सवारी का आनंद लें।